हे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं काफ़ी टाइम के बाद आपकी डिमांड फुलफ़िल करने जा रही हूँ। तो मैं लाई हूँ वेट गेन वीडियो काफ़ी टाइम के बाद, जिसमें मैं आपको फुल डे वेट गेन डाइट बताऊँगी। ये एक वीगन डाइट है, जिसे वेजिटेरियंस नॉन वेजिटेरियंस सभी फॉलो कर सकते हैं। और ये एक हेल्दी डाइट है, मतलब कि यहाँ पर हम कोई भी जंक फूड का यूज़ करके अपना वेट नहीं बढ़ाएंगे। तो इस वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी लो ज़रूर हो सकती है, बट इसमें जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना, वो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी की होगी। और ये एक ना बजट फ्रेंडली डाइट है, मतलब कि काफ़ी लोगों को लगता है ना कि वेट लॉस करना कितना ईजी है, खाना बंद कर दो, बट वेट गेन करना कितना मुश्किल है। एक्स्ट्रा खाना पड़ता है, वो भी प्रोटीन से भरा हुआ हेल्दी चीज़ें, और हेल्दी चीज़ें तो महंगी आती ही हैं। बट यहाँ पे मैं जो डाइट बता रही हूँ ना, वो एकदम बजट फ्रेंडली है। कोई भी एक्स्ट्रा पैसा आपके जेब से ना बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, और सारी चीज़ें ना आपको अपने घर पर ही मिल जाएंगी। ठीक है, तो देखो मैंने वेट तो आपको दिखा दिया है, मतलब ना मैं हर हफ्ते ना वेट चेक करती थी, रिकॉर्ड करती थी बाकायदा, कि इस वेट की ना एक्यूरेसी देखने के लिए ऑफकोर्स मुझे वीडियो भी बनाना था। ये तो मेरा डिसाइडेड था, एक वीडियो बनाना है, तो मैंने वेट को ना रिकॉर्ड भी करती थी हर हफ्ते में। तो वेट तो मैंने दिखा दिया, अब मैं आपको ना कुछ फोटोज़ दिखा देती हूँ। आप देख सकते हो जो स्टार्टिंग वाला फोटो था, उसमें आर्म्स एंड लेग्स बहुत ही ज़्यादा पतले लग रहे हैं, आर्म्स तो बहुत ही ज़्यादा, बट लास्ट वाले फोटो में आप देखोगे ना, आर्म्स से अच्छा खासा मसल आया है, पॉस्चर एकदम मस्त हो गया है, लेग्स काफ़ी ज़्यादा थिक है। और यहाँ पर मैंने आपको जीन्स का फोटो दिखाती हूँ, जो कि मैंने 15 डेज पहले पहनी थी, और ये जीन्स ने मेरे को थोड़ी सी टाइट थी 15 डेज पहले। हालाँकि ये जीन्स मैंने ना 2-4 महीने पहले खरीदी थी, लाइक अगस्त में रक्षाबंधन में, तो उसके बाद से ना मैंने अभी 15 दिन पहले पहना, तो हल्की सी टाइट थी, बट अब भी बहुत ही ज़्यादा टाइट है। मतलब ऐसा लग रहा है कि एक हफ्ते से ज़्यादा ना ये जीन्स बिल्कुल भी ना चलेगी नहीं, मैं इसे पहन ही नहीं पाऊँगी। तो ये जीन्स एक प्रूफ है कि मेरा वेट बढ़ रहा है, और ये प्रूफ सिर्फ आपके लिए नहीं है बल्कि मेरे खुद के लिए है। मुझे खुद पता चलता है जो मैं वर्कआउट एंड डाइट फॉलो कर रही हूँ ना, वो एक्चुअल में वर्क कर रहा है। तो इस वीडियो में ना मैं आपको पूरा स्केड्यूल बताऊँगी कि आपको कौन सा वर्कआउट करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस टाइम पर करना चाहिए है, और करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और हफ्ते में कितनी बार करना चाहिए। मतलब हर एक चीज़ को ना मैं यहाँ पर डिटेल में बताने वाली हूँ, और आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आना तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और कमेंट साथ में ज़रूर करना। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मील के साथ। तो फर्स्ट मील में आपको लेना है रेजिन्स, यानी कि किशमिश। आपको रात में ही 10 से 12 किशमिश को सोख करके रखना है थोड़े से पानी में, और सुबह खाली पेट लेना है। खाली पेट मतलब जैसे ही आप ब्रश कर लेते हो ना, तो ब्रश करने के बाद पहला मील जो है ना, वो आपका यही होना चाहिए। और अगर आपको किशमिश नहीं पसंद है, तो आप यहाँ ना फिक्स यानी कि ना अंजीर ले सकते हो, और अगर आपको अंजीर भी नहीं पसंद है, तो आप यहाँ पे फेनुग्रीक सीड्स का भी यूज़ कर सकते हो, वो भी वेट गेन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो एक चम्मच आपको फेनुग्रीक सीड्स लेनी है, उसे सोख करके रखना है, उसको भी ना पानी के साथ में पी लेना है। अगर आप अंजीर ले रहे हो, तो आप 2 से 5 अंजीर ले सकते हो, अकॉर्डिंगली ले सकते हो, कि कोई किसी को कम पसंद है तो वो 2 ले ले, या फिर किसी को ज़्यादा पसंद है तो वो 4 ले लें। और अगर आप रेजिन्स ले रहे हो किशमिश, तो 10 से 12 आपको सोख करके रखनी है। मैं हमेशा किशमिश ही लेती हूँ, बट कभी किशमिश खत्म हो जाती है, या फिर कभी किशमिश में नहीं लेके आ पाती हूँ, तो मैं यहाँ पे फेनुग्रीक सीड्स का यूज़ करती हूँ। ये तीनों ही चीज़ें जो है मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती हैं, साथ ही आपके ईस्ट्रोजन लेवल को मेंटेन रखती हैं, और आपको ना अच्छा खासा फेमिनिन फिगर भी मिलता है। मील्स की टाइमिंग मैं आपको एंड में बताऊँगी सारी इकट्ठी, पहले मैं आपको मील्स बता देती हूँ। सेकेंड मील है हमारी स्प्राउट्स, यानी कि मूंग के स्प्राउट्स हैं। इसके साथ में आपको 2 बनानास लेने हैं। तो मैं वर्कआउट करती हूँ, तो मैं वर्कआउट के बाद इसे खाती हूँ, उसमें अच्छा खासा प्रोटीन होता है और कार्ब्स होते हैं। अब मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, बट जितना भी मैंने नॉलेज गेन किया है ना, उस हिसाब से वर्कआउट के बाद ना ये वाली मील सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि इसमें प्रोटीन और कार्ब्स ना एक साथ में मिल जाते हैं। तो इससे ना क्या होता है, आपके मसल्स जो है ना, वो जल्दी गेन हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं थर्ड मील पर। थर्ड मील है पुडिंग। तो यार मैं तो इसे पुडिंग ही बोलती हूँ, मुझे पता नहीं इसे क्या बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ सोयाबीन का दूध। अब मैं वीगन हूँ, तो मैं सोयाबीन का दूध ही लेती हूँ, घर पर बनाती हूँ, 15 मिनट भी नहीं लगता है घर पर बनाने में, अच्छा खासा प्रोटीन एंड कैल्शियम होता है। बट अगर आप वेजिटेरियन हो, तो आप यहाँ पर जो बाहर डेयरी वाला मिल्क आता है ना, वो भी ले सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ ना, 1 कप ओट्स, 4 बादाम और 4 काजू ये भिगोकर रखती हूँ सोयाबीन के दूध में, पूरी रात फ्रिज में रख देती हूँ। और सुबह जो है मैं इसमें पीनट बटर, 2 बनानास ऐड कर लेती हूँ। अगर आपके पास एप्पल रहता है, तो आप इसमें एप्पल भी ऐड कर सकते हो। मेरे पास जब रहता है तो मैं करती हूँ, नहीं रहता है तो मैं नहीं करती हूँ। ठीक है, तो एप्पल ज़रूरी नहीं है, बट ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप वेजिटेरियन हो, तो आप इसमें हनी भी ऐड कर सकते हो। तो अगर आप वीगन हो, तो आप
यहाँ पे धागे वाली मिश्री ऐड कर सकते हो अगर आपको स्वीट पसंद है तो। हालांकि मुझे तो स्वीट नहीं पसंद है और ये अलग ही बहुत ज़्यादा स्वीट होता भी है, तो मैं इसमें एक्स्ट्रा जो है स्वीटनर ऐड नहीं करती हूँ। और इसे ना आपको पूरा अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इससे टेस्टी चीज़ ना आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये मील में अच्छा खासा प्रोटीन और हेल्दी फैट्स सही क्वान्टिटी में होते हैं, जिससे कि आपका वेट गेन जो है काफ़ी अच्छी तरह से होता है, और ये बहुत ज़्यादा ना टेस्टी भी होता है। तो किसी दिन अगर आप भूल जाते हो ना रात में सोक करके रखना, तो आप क्या कर सकते हो ना नेक्स्ट डे पे मॉर्निंग में सारी चीज़ों को साथ में ग्राइंड कर लो, स्मूदी बन जाएगी, फिर ना आप इसे पी सकते हो। स्मूदी के लिए आपको ओट्स को रात भर सोक करने की नीड नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास सोया मिल्क खत्म हो जाता है तो आप नॉर्मल जो है पानी से भी जो है स्मूदी बना सकते हो, ठीक है। तो ये तो थी थर्ड मील। अब आते हैं नेक्स्ट मील पे हमारी, जो कि है फोर्थ मील, वो है ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट जो भी घर वाले दे दें वो मैं खा लेती हूँ, बस फ्राई वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ब्रेकफास्ट में मोस्टली आलू पराठा, पोहा, यही सब होता है। और फोर्थ मील मुझे खानी ही पड़ती है, क्योंकि अगर मैं ये मील नहीं खाऊंगी ना जो कि घर वाले दे रहे हैं, तो उन्हें लगेगा कि मैं कुछ खाती पीती ही नहीं हूँ, ये सारी चीज़ें तो उनको दिखती ही नहीं है। तो बेसिकली ब्रेकफास्ट मुझे करना ही पड़ता है। तो ब्रेकफास्ट में आप कुछ भी खा लो, बट फ्राई वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ मील पे, जो कि है हमारा लंच। तो लंच जो भी घर वाले दे दें, लाइक जो भी घर वाले दे दें ना, रोटी और सब्जी रहती है ना, ज़्यादा रोटी लेती हूँ ना कुछ लेती हूँ। अगर आप ले सकते हो ज़्यादा रोटी तो बिल्कुल ले लो, अदरवाइज़ मैं तो नहीं लेती हूँ। जो भी घर वाले दे वो खा लेती हूँ, बट साथ में मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून पीनट बटर लेती हूँ। और साथ ही मैं जैसे खाना ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद मैं ना ओमेगा सप्लीमेंट्स लेती हूँ। अब ओमेगा 3 के जो सप्लीमेंट्स वो मेरे पास पड़े हुए थे, बिकॉज मुझे कोलेबोरेशन के लिए मिले थे, तो इस वजह से मैं उन्हें यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज उसके पहले मैं फ्लैक्स सीड्स लेती थी, ठीक है, रोस्टेड फ्लैक्स सीड्स। तो अगर आपके पास ये ओमेगा सप्लीमेंट्स नहीं है तो लेने की ज़रूरत भी नहीं है। आप यहाँ पे ना सिंपली रोस्टेड फ्लैक्स सीड्स का ना 1 से 2 टीस्पून यहाँ पे कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। और जैसे ही ना मेरे भी ये सप्लीमेंट्स ख़त्म हो जाएंगे ना, तो फिर मैं भी यहाँ पे ना फ्लैक्स सीड्स ही लेने वाली हूँ। मैं इन्हें अलग से नहीं खरीदूंगी दोबारा, बिकॉज ये थोड़े से महंगे भी होते हैं। तो लंच में मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, एक पीनट बटर एक्स्ट्रा लेना है और साथ में आपको लेना है फ्लैक्स सीड्स। अब आते हैं हमारी शाम की मील पर, जो कि हमारी 6th मील है। तो यहाँ पर मैं लेती हूँ सैंडविच, यानी कि ब्राउन ब्रेड और पीनट बटर का सैंडविच। 2 सैंडविचेस होते हैं, यानी कि 4 ब्रेड होती है। और अगर आपको सैंडविच नहीं पसंद है, किसी दिन ब्रेड नहीं है या नहीं ला पाए हो आप, तो आप दलिया भी ले सकते हो इसके बदले में, ठीक है। तो आप यहाँ पर गुड़ वाला दलिया लेना, मतलब अगर आपको मीठा पसंद है तो गुड़ वाला लेना, वरना नॉर्मल भी ले सकते हैं। मैं गुड़ वाला लेती हूँ, वो भी गुड़ जो है वेट गेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और दलिया में भी अच्छी खासी क्वांटिटी में प्रोटीन होता है, मतलब ये एक अलग तरह का ओट्स है जो कि बनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाता है ना। तो आप यहाँ पे शाम को दलिया भी ले सकते हो। अब आते हैं रात के डिनर पे। तो रात में जो डिनर होता है वो बेसिकली जो है घर का खाना होता है। कभी दाल चावल हो गया, कभी मेथी के चावल बनते हैं, कभी पुलाव बनता है, ये 3 चीज़ें ना, और कभी पालक चावल, ये 4 चीज़ें ऐसे आपस में ना बनती रहती हैं। तो जो भी डिनर में बनता है ना वो खा लो। अगर आपके यहाँ ब्राउन राइस बनता है तो अच्छी बात है यार, आप ब्राउन राइस खा लो। तो जिनसे मैंने ये डाइट ली थी ना, तो उन्होंने तो ब्राउन राइस सजेस्ट किया था, बट हमारे घर पे बनता नहीं है, हमारे यहाँ वाइट राइस ही बनता है, तो मैं यहाँ पे वाइट राइस ही लेती हूँ। बट डिनर के साथ में आपको लेना है पनीर या फिर टोफू, ठीक है। मैं तो टोफू बनाती हूँ घर पे, टोफू जो है वो सोयाबीन का पनीर होता है, तो मैं टोफू खाती हूँ। आपको यहाँ पे पनीर खाना है, छोटा सा टुकड़ा लेना है, इतना छोटा भी नहीं, मतलब नॉर्मल जो है 50 ग्राम ज़्यादा हो गया, 50 ग्राम का टुकड़ा लेना है और उसे खाना है। जिस दिन मैं टोफू नहीं बना पाती हूँ या जिस दिन आपके पास पनीर ना हो, तो उस दिन आप 1 गिलास दूध पी सकते हो। मैं 1 गिलास सोयाबीन का दूध पी लेती हूँ, ठीक है। और आपको दूध मीठा नहीं करना है, आप चाहो तो गुड़ की हेल्प से मीठा कर सकते हो, या अगर आप वेजिटेरियन हो तो हनी की हेल्प से मीठा कर सकते हो। बट आपको यहाँ पे ना मीठा जो है जो शुगर है मेन, बेसिकली शुगर, वो आपको नहीं लेनी। आप मिश्री का यूज़ फिर भी कर सकते हो, ठीक है। जो धागे वाली मिश्री आती है वो शुगर से काफ़ी ज़्यादा हेल्दी ही होती है। ये तो था फुल डे का डाइट प्लान, जो कि मैं बताते बताते थक गई, 8 मिनट कब गए पता ही नहीं चला। तो 5 मिनट्स के रेस्ट के बाद मैं ऊपर आई हूँ। तो मैं आपको टाइमिंग बताती हूँ। टाइमिंग जो है ये मेरे हिसाब से है, मतलब कि मैं किस तरह से अपने मील्स को मैनेज करती हूँ। आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो टाइमिंग, आप अपने हिसाब से कैसे सेट करोगे ये मैं आपको टाइमिंग बताने के बाद बताती हूँ, ठीक है। तो टाइमिंग को ना अच्छे से नोट कर लेना। तो देखो, मैं उठती हूँ 7:30 बजे, 8 बजे रहती है मेरी पहली मील, यानी कि सोक्ड किशमिश। फिर मैं जाती हूँ वॉक पर, वॉक से आके वर्कआउट करती हूँ। वर्कआउट के पहले अगर भूख लगी तो 1 बनाना लूँगी, अगर भूख नहीं लगी तो ऐसे ही वर्कआउट करूँगी। वर्कआउट करते करते मेरे को बस जाते हैं ऑलमोस्ट 10, तो 10 बजे मैं लेती हूँ अपनी 2nd मील, यानी कि स्प्राउट्स और 2 बनाना। उसके 1 घंटे के बाद यानी कि 11 बजे मैं लेती हूँ पुडिंग।
फिर उसके एक घंटे के बाद 12 से 12:15 बजे मैं लेती हूँ अपना ब्रेकफास्ट, और 2:30 या 3 बजे हमारा जो है वो लंच होता है। शाम का नाश्ता जो है वो ऑलमोस्ट 6-6:30 बजे होता है, और जो रात का डिनर है वो मेरा होता है 10 या 10:30 बजे, नहीं मोस्टली 10 बजे होता है, अनुपमा देखते रहे। ठीक है, ये तो थी मेरी मील्स की टाइमिंग। तो देखो, अगर आप अपने हिसाब से सेट करना चाहते हो ना, तो देखो जो सुबह की 4 मील्स है ना, उनमें आपको मिनिमम 1 घंटे का गैप रखना ही है, और जो शाम की 3 मील्स हैं यानी कि लंच शाम का और रात का जो डिनर है, उनमें कम से कम 2 से 2.5 घंटे का जो आपको गैप रखना ही है। उस हिसाब से फिर आप ना अपने हिसाब से कोई भी टाइमिंग सेट कर लो, सब चलेगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा फुल डे डाइट प्लान। अब आते हैं अपने वर्कआउट के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि वेट गेन के लिए वर्कआउट करना ज़रूरी है? तो हाँ, वर्कआउट करना ज़रूरी है। अगर आप वर्कआउट नहीं करते हो ना, तो आपका फैट मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। कई बार क्या होता है, टमी निकल आता है, कई बार थाइस बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं तो अपर बॉडी दिखती नहीं है, अपर बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, कभी आर्म्स बहुत ज़्यादा मोटे हो रहे हैं तो लेग्स बिल्कुल भी पतले रहते हैं। तो इस वजह से ना आपको वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या अगर हम वर्कआउट नहीं भी करेंगे तो चलेगा? देखो, हमें चाहिए मसल्स, हमें फैट नहीं चाहिए। बट अगर आप वर्कआउट नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपली वॉक कर सकते हो। ठीक है, वॉक भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है खाने को डाइजेस्ट करने में। बट अगर आपको पता है कि आपकी बॉडी कहाँ कहाँ पर फैट को जमा करती है, देखो जब मैं मोटी थी तो मुझे पता था कि मेरा फैट कहाँ कहाँ पर जमा होता है, तो अगर आपको उस तरह से पता है तो आप क्या कर सकते हो, आप बिना वर्कआउट के भी वेट गेन कर सकते हो। बट फिर भी मैं सजेस्ट करती हूँ एटलीस्ट वॉक तो करो, कम से कम आधा घंटा ही करो, क्योंकि बॉडी जो है उससे फिट रहती है वर्कआउट एंड वॉक से, और वैसे भी ना फैट से अच्छा तो मसल्स को गेन करना होता है ना, इस वजह से वर्कआउट करना ज़रूरी है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि वर्कआउट के साथ में हम वॉक कर सकते हैं? तो हाँ, वर्कआउट के साथ में आप वॉक कर सकते हो। मैं तो खुद जो है 5,000 to 6,000 स्टेप्स डेली चलती हूँ, उसके बाद में आकर के वर्कआउट करती हूँ। तो हाँ, वॉक के साथ भी ना वर्कआउट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर हम सिर्फ वॉक करेंगे तो वेट लॉस तो नहीं होगा? डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि वेट गेन जर्नी में ना कार्डियो भी ज़रूरी रहता है और वेट ट्रेनिंग भी ज़रूरी रहती है। वॉक करने का मेन मोटिव ये होता है कि खाना डाइजेस्ट हो। जितना ज़्यादा खाना डाइजेस्ट करेंगे ना, उतना ही शरीर में लगेगा। खाना डाइजेस्ट नहीं करेंगे तो शरीर में लगेगा नहीं, क्योंकि खाना तो सड़ता जाएगा। वर्कआउट करने का मेन मोटिव ये है कि मसल्स को गेन करना है। ठीक है, मसल्स गेन होंगे तो बॉडी का जो पोस्चर है वो अच्छा खासा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर हम सिर्फ वर्कआउट करें, वॉक नहीं करें तो भी चलेगा? डेफिनेटली चलेगा, या तो वर्कआउट कर लो या तो वॉक कर लो, या तो दोनों कर लो, वो भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर हम कुछ भी नहीं करना चाहें तो चलेगा? देखो, कुछ नहीं करोगे तो जो आपका वेट है वो थोड़ा सा ना लेट गेन होगा। और देखो, आपका ना वर्कआउट जो है या वॉक है वो 20 मिनट्स का ही तो है, 20 से 30 मिनट्स, और दिन के 20 मिनट तो आप दे ही सकते हो, क्योंकि जिन्हें कुछ अचीव करना होता है ना, वो दिन के ना 20 घंटे भी दे सकते हैं। तो मैं तो फिर भी आपसे ना सिर्फ 20 मिनट्स ही मांग रही हूँ, है ना? तो 20 मिनट्स आप दे ही सकते हो, बाकी फिर भी सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। मैंने सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है वो तो कर ही दिए। तो सबसे पहले ना मैं आपको वर्कआउट स्केड्यूल बता देती हूँ कि किस दिन कौन सा वर्कआउट करना है, उसके बाद जो है ना हम वर्कआउट को डिसाइड कर लेंगे। तो देखो, मंडे को अपर बॉडी, ट्यूसडे लोअर बॉडी, वेंसडे अपर बॉडी, थर्सडे गैप, फ्राइडे को अपर या लोअर बॉडी, सैटरडे को अपर या लोअर बॉडी। फ्राइडे और सैटरडे को आप अपने हिसाब से जो है वो प्रेफर कर सकते हो। तो देखो, आपको एक्सरसाइज कैसे करनी है, तो आपको ना 12 रेपिटेशंस के 3 सेट्स लगाने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर स्क्वाट्स है, मतलब कि आपको जो बैठना रहता है, तो वो आपको 12 बार बैठना है एक बार में, और ऐसा ना टोटल में 3 बार ही करना है। ठीक है, तो बट अगर आपने बिल्कुल भी एक्सरसाइज कभी करी नहीं हुई है और अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हो, तो देखो स्टार्टिंग का जो पहला हफ्ता है ना, उसमें आप रेपिटेशंस कम कर सकते हो, जैसे 8 से 10 रेपिटेशंस के 2 सेट्स मार सकते हो। फिर स्लोली स्लोली जैसे जैसे आपकी जो अपनी बॉडी है वो अपना बॉडी का वेट उठा पाओगे ना, मतलब अपनी खुद की बॉडी का वेट अगर आप उठा पाते हो ना, आपकी बॉडी का वेट इजी लगने लगेगा, उस हिसाब से आप रेपिटेशंस इंक्रीज करते जाना। बट जो हाईएस्ट रेपिटेशन होनी चाहिए ना, वो 15 होनी चाहिए, और जो सेट होना चाहिए वो 4 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो देखो, 2-3 महीने जब आप वर्कआउट कर लोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो बॉडी का वेट है ना, बहुत ज़्यादा इजी हो रहा है, मतलब ना हर एक वर्कआउट में बहुत इजीली कर पा रहे हो। तो आपको क्या करना है ना, आपको इसे इंटेंस बनाते जाना है। कैसे बनाओगे कि अगर आप एक बार ही बैठ रहे हो स्क्वाट्स के टाइम पे, तो आप अगर 1 सेकंड या 2 सेकंड में बैठ के उठ रहे हो, तो आपको उसे 3 से 4 सेकंड में, मतलब बहुत ही स्लोली स्लोली करते जाना है। जितना आप स्लोली करोगे ना, उतना ज़्यादा वर्कआउट जो है वो इंटेंस होता जाता है। तो ये तो हो गया। बट अगर आपको स्टिल लगता है, जैसे 4 महीने बाद फिर लगेगा आपको कि हमारा जो बॉडी का वेट है वो बहुत ज़्यादा जो है ईजी हो गया है,
तो आप क्या कर सकते हो, जो ईंटे आते हैं ना, ईंटे या फिर जो पत्थर हो गया, जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ, ये चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। हमारे जहाँ वॉक करने जाती हूँ ना, वहाँ पे रोड टूट गया था, तो मैं उसका ये पत्थर लेकर के आ गई थी। रोड है ये एक्चुअल में, तो मैं इसे यूज़ करती हूँ। तो आप भी कुछ इस तरह का कर सकते हो, बट जैसे 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए और आपको ऐसा लग रहा है कि वर्कआउट में मज़ा आ रहा है ना, तो आप जिम ज्वाइन कर लो या फिर डंबल्स घर में खरीद लो। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं डंबल्स खुद खरीदने वाली हूँ, तो फिलहाल तो मेरा इन्हीं से काम चल रहा है। ठीक है, तो अब आते हैं वर्कआउट के ऊपर। तो लोअर बॉडी के लिए एक एप्लीकेशन आता है जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। इसमें जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं ना, मैं वही करती हूँ। टाइमिंग में वो नहीं लेती हूँ, क्योंकि उसमें एक ही बार टाइमिंग बताते हैं, एक बेस्ट स्क्वाट्स बताते हैं, 18 बार कर लो, 20 बार कर लो, उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज आ जाती है ना, तो मैं टाइमिंग उस हिसाब से नहीं करती हूँ। लेकिन जो एक्सरसाइजेज है ना, मैं वो वाली फॉलो करती हूँ उनमें से। और उनमें क्या है ना, एक एक दिन का जो गोल है वो भी अचीव होता जाता है ना, मतलब 100% लिख के आता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है देख के कि हाँ कुछ अचीव हो रहा है। तो देखो, 3 एक्सरसाइजेस हैं जो कि मैं नहीं करती हूँ इन एप्लीकेशन से, जो कि है फ्लटर केक्स, माउंटेन क्लाइंबर और हील टच। हील टच से तो मुझे हेडेक होता है, बाकी के 2 मुझे कोई खास पसंद नहीं आती हैं। तो मैंने क्या किया, नेट से 3 एक्सरसाइजेस निकाली हैं। 2 हिप डिप्स वाली हैं, कोई भी एक्सरसाइज ले लो, हिप डिप्स सर्च करोगे ना आ जाएगा। और एक है काफ्स के लिए, काफ्स के लिए तो एक ही एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है, बस ऐसे एड़ियों पे खड़े हो जाए, एड़ियों पे नहीं, ऐसे पंजों पे खड़े हो जाना है ना, पैरों वाले, वो वेट उठा करके बढ़िया सा, स्टार्टिंग में बिना वेट के भी। तो लोअर बॉडी के लिए तो अच्छा खासा एप्लीकेशन भी है, बट अब अपर बॉडी के लिए आते हैं। तो अपर बॉडी के लिए मैंने नेट से अलग अलग तरह के वर्कआउट्स निकाल करके रखे हैं। 2 आर्म्स के लिए हैं, 3-4 चेस्ट के लिए हैं, और 2 बैक के लिए हैं, और जो एक है वो टमी के लिए है। टमी के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे प्लैंक करती हूँ, उसके भी जैसे सेम है 12 रेपिटेशंस 3 सेट्स के। तो जो मैं एक्सरसाइजेस करती हूँ ना, वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने का ट्राई करूँगी। तो अब सुनो काम की बात, जो भी हम एक्सरसाइजेस करेंगे उनके जितने भी सेट हैं, तो उनमें कितना गैप होना चाहिए। तो देखो, लोअर बॉडी की जब हम एक्सरसाइज करें, तो एक सेट से दूसरे सेट में जाने के लिए 1 मिनट का गैप होना चाहिए। और जब हम अपर बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं, तो एक सेट से दूसरे सेट में जाने के लिए ना, हम 30 सेकेंड्स का गैप ज़रूर रखेंगे। और चीज़ ऐड करना मैं भूल गई इसमें, वो है वार्म अप। मैं वर्कआउट के पहले वार्म अप करती हूँ वॉक के आने के बाद। तो वार्म अप में मैं, यहाँ पे एक यूट्यूब चैनल है, उसके दोनों है, एक लेग डे वार्म अप है, एक अपर बॉडी वार्म अप है, दोनों मैं उसी की फॉलो करती हूँ। 5-5 मिनट्स के वार्म अप है, वार्म अप करने के 30 सेकंड्स के बाद आपको एक्सरसाइज शुरू कर देनी है। तो अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि वर्कआउट करने का बेस्ट टाइम क्या है। मैं वर्कआउट करती हूँ सुबह, बिकॉज मुझे सुबह का टाइम प्रेफरेबल लगता है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है 8 बजे वर्कआउट करते हुए। तो आप वर्कआउट किसी भी टाइम पे कर सकते हो, बस ध्यान ये रखना खाना खाने के 2 घंटे बाद ही वर्कआउट करना है। और वर्कआउट करने के बाद 30 मिनट्स के अंदर आपको ना अपनी मील ले लेनी है, मतलब कि कोई भी प्रोटीन वाली मील, अच्छी खासे प्रोटीन होना चाहिए। 30 मिनट के अंदर लेना सही होता है, ऐसा मैंने सुना है, अदरवाइज़ आप 1 घंटे के अंदर भी ले सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है। तो ठीक है, ऐसा होना चाहिए। और वर्कआउट के पहले अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपको जिम जाना है और आपको भूख लग रही है, आपको वर्कआउट करना और भूख लग रही है, तो आप ना 20 से 25 मिनट पहले ना 1-2 केला भी खा सकते हो। ठीक है, तो ये तो था पूरा डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान, सब कुछ मैंने आपको दे दिया है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि इसका रिज़ल्ट कब मिलेगा। तो देखो, अगर आप प्रॉपर वर्कआउट और डाइट जो मैंने बताया है ना, उसे अगर आप फॉलो करते हो रेगुलरली, मतलब रोज़ बिना कोई नागा किए हुए, वर्कआउट में तो जो मैंने गैप बताया उसका तो ठीक है, डाइट में कोई गैप वैप नहीं, कोई चीटिंग वगैरह नहीं, तो आपको ना 1 हफ्ते में जो है आपका 1 kg 1 किलो जो वेट है वो गेन हो जाएगा, क्योंकि मेरा हुआ है और सबका होता है। मेरा वेट गेन थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उस हिसाब से 1 kg हो रहा है 1 वीक में, तो बहुत ज़्यादा है। तो मेरा मुश्किल है उस हिसाब से हो रहा है, तो आप लोग के लिए तो फिर भी ईजी हो सकता है। तो 1 हफ्ते में 1 किलो वेट बढ़ता है, और अगर आप 1 महीना करते हो कंटिन्यूसली, तो आपका 5 kg वेट बढ़ जाता है, मतलब 1 महीने में 5 किलो वेट बढ़ जाता है। और आपका जो बॉडी का पॉस्चर है वो आपको ना 2 वीक्स के अंदर ही ना अच्छा खासा नज़र आएगा। आपका जो बैक है एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, शोल्डर्स वाइड हो जाएंगे, मतलब आप खुद फील करोगे कि आपका जो बॉडी का पॉस्चर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है, और वेट भी अच्छा खासा गेन हो गया। आप वेट तो बाकायदा मेजर भी कर सकते हो। इसके अलावा आप कुछ भी खाना चाहो तो खा सकते हो। मैं कई बार कोकोनट खाती हूँ, कई बार जो सीसमे सीड्स हैं वो खाती हूँ। वैसे तो पेट इन्हीं सारी चीज़ों से भर ही जाता है, कुछ एक्स्ट्रा खाने की हिम्मत नहीं होती है, बट कई बार हेयरफॉल वगैरह लगता है कि हो रहा है, तो मैं कोकोनट या एक्स्ट्रा चीज़ें खा लेती हूँ। ठीक है, और अगर आप उनमें से हैं जो खाते तो बहुत हैं बट शरीर को लगता नहीं है, तो वर्कआउट तो ज़रूर करना। और अगर आप उनमें से हैं
जो जिन्हें भूख भी नहीं लगती है, तो आप स्मॉल स्मॉल पोर्शन से खाना स्टार्ट कर सकते हो। एक साथ इकट्ठा भर ले मत खाना। वर्कआउट के बाद ना बहुत ही तीखी भूख लगती है। तो ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और ये वीडियो में मुझे पता है बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो फटाफट से ना कमेंट में अपना वेट लिख दो और मेजर करो खुद भी, और एक हफ्ते के बाद आकर के फिर से कमेंट में अपना वेट लिखना और बताना कि आपने अपना वेट कितना गेन कर लिया है। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, शेयर कर देना जिन्हें भी इनकी नीड है इस वीडियो की। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं हर जगह रिप्लाई ज़रूर करूँगी। चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।